इतने में पंडित जी ने आकर के कुंडी को बजा दिया। अरी रुक्मणी, रुक्मणी भगी चली आई, कहने लगी हाँ ये तो बता दो आ गए वो, आ तो गए लेकिन पहले हमें खाना खिला दो। वो हैं जो जहां तुम गिरजा जी की पूजा करने जाती हो मंदिर में, उस मंदिर के पास में कन्हैया खड़ा है, लेकिन पहले हमें खाना खिला दो। रुक्मणी बोली बाबा जी अगर मैंने तुम्हें खाना खिलाया तो मेरा कन्हैया वहां से रम जाएगा, मेरा कन्हैया वहां से चला जाएगा, तो मेरे पास द्वारका में आना। पंडित जी बोले जाओ मतलब है कि तुम्हारा काम बनता और बाहर में जाए जनता, हम भूखे मरे जा रहे नहीं तो द्वारका में खाए मिलो। कन्हैया के यहां गए सो जल्दी लेवा लाए, तुम कह रही हो कि द्वारका में फिर आई हो। कहने लगी हाँ बाबा मुझे माफ करें। आज रुक्मणी चलने को तैयार भई, रुक्मणी अपनी सहेलियों को साथ में लिया, मैया से कहा है मैया मैं जा रही हूं। कहां जा रही हो बिटिया? मैया ये मान लेना कि तेरी बेटी अभी ससुराल जा रही है। मैया बोली बिटिया ऐसो कैसे? कहने लगी मैया एक बात सुन ले, मैं जा रही हूं एक बार मुझसे प्यार से बात कर ले मां, लेकिन मेरा बात को ध्यान रखना। अरे मेरी मैया भैया को दइए जाई रो देगी तेरी लाड़ी। मेरी मैयो मुझे बुला जरूर लेना, जरूर बुला लेना। मेरी मैया सावन में लइए बोला पाई वो तेरी लाड़ी। और मेरी माँ जो कछु गलती मैया करी चली मेरी अम्मा, जो कछु गलती हमें करी चली मेरी मैया, अगर मेरे से कोई भूल है रही है कोई गलती है रही हो मेरी मैया भैया को दइए समा जाई दो मैगी तेरी लाड़ी। मेरी मैया सावन में ये बोला पाई दो मैगी तेरी लाड़ी। उसी समय रुक्मणी चली है सहेलियों को साथ लिया, मंदिर में पहुंची पूजा की। भगवान श्याम सुंदर सोच रहे हैं ये तो सब एक जैसी लग रही हैं, इनमें रुक्मणी कौन सी है? कहूं ऐसो ना हो कि रुक्मणी के संग में कोई दूसरी रुक्मणी चली जाए। हैं पूजा की मंदिर में भगवान श्याम सुंदर ने जब कन्हैया सोच रहे हैं, इतने में रुक्मणी ने कंकन वालों हाथ जो है वह ऊपर को हाथ उठाओ। भगवान कन्हैया समझ गए कि जो कंगना वालों हाथ है यही रुक्मणी है। रुक्मणी बोली कन्हैया एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे हाथ में लगी है ये क्या है? कहने लगे ये है बंसी। इसका क्या होता है कि ये बजाई जाती है? भगवान कन्हैया से बोली है रुक्मणी तो एक बार बंसी को बजा दो। भगवान कन्हैया ने बंसी को बजाया, जितनी वहां सखियां आती सबकी आंखें बंद भई। कन्हैया ने रुक्मणी को हाथ पकड़ो लेके चल दे, चलो चलो अब जब सखियन की आंखें खुली तो सामने कछु ना आए, चक्कर में पड़ गई। बोली ओरी बहना गजब है गजब। बोली क्या हो गया? आरी रुक में
ढूंढ